जय माता दी। तो मैं आज हूँ अपने शहर शाबद मारकंडा में और मैं जा रहा हूँ आज गुमटी माता के मंदिर, जो लक्ष चंडी महायज्ञ का प्रोग्राम चल रहा है उसके कुछ दृश्य आपको दिखाने के लिए। आज वैसे डेट हो चुकी है 25 फरवरी और कल लास्ट 26 फरवरी को लास्ट दिन है इस प्रोग्राम का। तो मैं किसी वजह से ये कैप्चर नहीं कर पाया मोमेंट सारे, तो इसलिए आज लास्ट दिन है, कल लास्ट दिन है, तो आज मैं सारा जो है मंदिर का जो दृश्य आपको दिखाने के लिए आज आया हूँ गुमटी माता के मंदिर। तो चलो फिर आप सबको दिखाता हूँ मैं एक दृश्य इस सुंदर भव्य विशाल आयोजन का। चलो फिर चलते हैं। जय माता दी। चुके हैं गुमटी माता के मंदिर। तो यहां से होती है मंदिर की स्टार्टिंग इस बड़े सेटअप के साथ। पूरे भारतवर्ष के लिए ये पहली बार ये दृश्य देखने को ऐसा धरती पे मिला है। कहा जाता है जो ये लक्ष चंडी महायज्ञ हो रहा है इस वक्त गुमटी की पावन धरती पे, ये किसी वक्त में पांडवों ने करवाया था। तो कलयुग में ऐसा यज्ञ, ऐसा महायज्ञ पहली बार होने जा रहा है। तो हम शाबद वाले, हरियाणा वाले, कुरुक्षेत्र की धरती इतनी खुश नसीब है जो ये यज्ञ हमारे शाबद मारकंडा गुमटी माता के मंदिर में हो रहा है। तो मंदिर के अंदर के दर्शन करवाने के साथ साथ सबसे पहले मैं गुमटी वाली माता जी का मंदिर जो है इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की जो स्टोरी है, ये मंदिर कैसे स्थापित हुआ आपको विस्तार में बताता हूं। सन 1950 में श्री श्री 1008 माता प्रकाश देवी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। श्री माता प्रकाश देवी को गुमटी वाली माता जी व बड़े माता जी के नाम से भी जाना जाता है। इस पंथ की जो शुरुआत है सन 1925 में शेखपुरा में हुई थी, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। श्री माता सुहागवंती देवी जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी इस पंथ की। तो माता सुहागवंती सन 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय ब्रह्मलीन हो गए थे। कहा जाता है बड़े माता जी बाल्यावस्था से ही अलौकिक शक्तियों के धनी थे। सिर्फ 5 वर्ष की आयु में ही माता जी ध्यान और समाधि में चले जाया करते थे। इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो माता जी जब इंडिया आए तो वह रौतर यमुनानगर जिले में रहने लगे। तो वहाँ पर माता की शक्तियों को देखते हुए कुछ संतों ने उन्हें मारकंडे नदी के तट पर आश्रम बनाने के लिए अनुग्रह किया। उसके बाद से माता जी ने माँ भगवती की इच्छा को शिरोधार्य करते हुए माँ नव दुर्गा के मंदिर की स्थापना गांव गुमटी में मारकंडे नदी के तट पर की। तो माता जी की शक्तियों की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, जिसके फलस्वरूप अनेक भिन्न भिन्न प्रांतों से लोगों का आना जाना प्रारंभ हुआ। 1964 में वह श्री श्री 1008 माता उषा देवी जी का जन्म और 2016 में श्री श्री जागृति देवी जी का जन्म। तो जो माता उषा देवी जी हैं उनके पास भी कुछ शक्तियों की भगवान की देन थी। तो जिसे देखते हुए सन 1967 में बड़े माँ जी ने शत चंडी यज्ञ कर माता उषा देवी जी को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया। 4 वर्ष की आयु में ही माँ जी का गुमटी मंदिर में आगमन हुआ। श्री देवी ने संकल्प किया कि वे अपना जीवन केवल आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि में लगाएंगे। इस उद्देश्य से माँ जगदम्बा के साक्षात दर्शन की अभिलाषा मन में लिए सन 1973 में अपने घर का परित्याग करके वे बड़े माता जी के सानिध्य में गुमटी मंदिर आ गए। सन 2016 में श्री श्री जागृति देवी का अवतरण हुआ। माँ जी ने श्री श्री जागृति देवी
जागो जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1971 से लेकर आज तक इस मंदिर में काफी चमत्कार हो चुके हैं और समय समय पर इस मंदिर में काफी महायज्ञ भी किए जा चुके हैं, जैसे कि श्री शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, महालक्ष्मी यज्ञ, महासरस्वती यज्ञ, दश महाविद्या यज्ञ व अनेक यज्ञों का आयोजन यहाँ पर होता रहता है। और ये महालक्ष्मी यज्ञ धरती पर पहली बार हुआ है और वो भी गुमटी माता के मंदिर में। तो इसी के साथ अब दर्शन करते हैं गुमटी वाले माता जी के। सात फरवरी से शुरू होकर यह यज्ञ 26 फरवरी को संपन्न हो जाएगा, जिसमें डाली जा रही हैं लाखों आहुतियां रोजाना ब्राह्मणों के द्वारा। 11 करोड़ आहुतियों का संकल्प है ये महालक्ष्मी यज्ञ। प्रतिदिन चलाया जा रहा है यहाँ हजारों लोगों के लिए भंडारा। जन सुविधा के लिए बनाए गए हैं यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम, लोकर रूम एंड मेडिकल सेंटर्स। और इसी के साथ शाबाद मारकंडा से लेकर गुमटी माता के मंदिर तक के लिए ई रिक्शा की स्पेशल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसका मात्र किराया 10 रुपये है। और इसी के साथ साथ यात्रियों को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, पैदल चलने वालों को ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जा रहे हैं और लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। और एक तरफ खास कैंटीन की और शॉपिंग के लिए स्मॉल शॉप्स भी बनाई गई हैं, जिससे काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला है। और एक तरफ लगाए गए हैं काफी सारे झूले भी इस महायज्ञ के पंडाल में।
हर दिन शाम को होती है यहाँ एक ऐसी विशाल भजन संध्या जो आज से पहले शाबद की धरती पर कभी भी नहीं हुई, जिसमें बॉलीवुड के कलाकार, टीवी आर्टिस्ट और पंजाब के आर्टिस्ट आकर परफॉर्म कर चुके हैं। इतने बड़े सेटअप पे पहली बार यहाँ पर हमें ये माहौल देखने को मिला है, जिसमें कई हजार लोगों की मेहनत है। हर दिन दिन रात उनकी मेहनत करने के बाद हमें लाइव ए टीवी पर प्रोग्राम देखने का मौका मिल पा रहा है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका रोजगार बढ़ रहा है इस माँ लक्ष्मचंडी यज्ञ की वजह से। तो काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार भी मिल रहा है और काफ़ी ये धर्म और कर्म का काम हमारे शाबद मारकंडा में हो रहा है। आप सबको आशीर्वाद दीजिए। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले ते मैं किसका मान करे सा। एक पानी गंदला दूजा साबण थोड़ा ते मैं बैठ किनारे रो सा। पर हाँ जी, तो दर्शन करके आ गए हम अंदर, अच्छे से एक्सप्लोर करके आ गए हैं। होप करता हूँ मैं कि आप सबने भी अच्छे से दर्शन कर लेंगे। आज मैं पहली बार यहाँ पे गया, काफ़ी वीडियो देख रहा था मैं नेट पे और लाइव भी मैं प्रोग्राम देख रहा था, बट आज मैं पहली बार आया तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। और रात में और भी ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है क्योंकि रात में पूरी लाइटिंग होती है। तो कम से कम हमें एक सवा एक घंटा हो गया, अभी जल्दी जल्दी हमने दर्शन करे, मतलब पूरा एक्सप्लोर किया जल्दी जल्दी। तो अगर आप अच्छे से आराम से आओगे तो एक घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लगता है। तो शाबद मारकंडा में हमारा पहली बार ऐसा हुआ है कि इस यज्ञ के होने की वजह से हमारे शाबद मारकंडे की जो धरती थी पहले ही इतनी पवित्र है, जो ऋषि मारकंडेश्वर जी की वजह से है, तो अब इस यज्ञ की वजह से और गुमटी वाली माता जी के मंदिर की वजह से हमारी धरती इतनी पवित्र हो चुकी है। और जो ये यज्ञ है कलयुग में पहली बार हो रहा है ऐसा यज्ञ, तो हम इतने मतलब अच्छे नसीब वाले कि हमारे शाबद की धरती पे ये यज्ञ हो रहा है। तो चलो ठीक है, होप करता हूँ आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर करना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। जय माता दी, जय महादेव।